मित्रों नमस्कार। लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम, मित्रों इस प्रोग्राम के तहत इतनी इम्पॉर्टेंट छिपी हुई बातों को उजागर किया जाता है जो कि लीगली हैं और हमको पता ही नहीं है। अब उसके तहत आज जो हम लेके आए हैं वो ये है कि जो कोई बिल की जाती है, बिल पे मेरे कई वीडियो भी आ चुके हैं, तो ये समझा जाता है कि सारी अपनी प्रॉपर्टी और भी जो व्यवस्थाएं उससे पर्सनल जो बिल करने वाला है उससे संबंधित जो भी हैं उन सब की वो बिल कर सकता है और उसकी डेथ के बाद उसके बिल के अनुसार ही उन सारी व्यवस्थाओं उन सारे प्रॉपर्टी चीज़ों का डिस्पोजल किया जाएगा। ये एक सामान्य सी बात है। लेकिन अभी ऑनरेबल हाईकोर्ट कर्नाटका के द्वारा 16 मार्च को एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जजमेंट दिया गया। वो महत्वपूर्ण क्यों है, वो एक नई बात को उजागर करने वाला है। वो क्या है ये इस पर आज मैं आपको बताऊंगा। और उसमें मेन बात क्या है कि क्या सर्विस में बेनिफिट्स को, सर्विस से जो लाभ होते हैं सर्विस बेनिफिट्स को भी बिल किया जा सकता है। अब बात तो ये अजीब सी है लेकिन है ध्यान देने वाली। क्यों? क्योंकि जो एक कोई भी व्यक्ति कोई जॉब करता है, सर्विस करता है, नौकरी करता है, तो उसको कुछ सर्विस के बेनिफिट्स मिलते हैं और उन बेनिफिट्स को वो नितांत उसी के होते हैं। तो क्या उसको बिल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, तो इस बात को तय करने के लिए ऑनरेबल हाईकोर्ट कर्नाटका ने अभी 16 मार्च को अपना इतना इम्पोर्टेंट जजमेंट दिया। अब सर इसमें ये देखा जाए कि सर्विस बेनिफिट्स होते क्या हैं। तो सर्विस बेनिफिट्स हैं ग्रेचुटी, इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, लीव इंकेशमेंट, इस तरह की चीज़ें हैं। तो इनको भी बिल किया जा सकता है या नहीं, इसको तो जवाब इसका बिल्कुल साफ है कि इस तरह की जो सर्विस बेनिफिट्स हैं इनको बिल नहीं किया जा सकता। यद्यपि ये होते तो पर्सनल हैं, किसी और को नहीं मिल सकते, उसी के हैं, लेकिन इनको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता किसी भी रूप में, चाहे वो बिल क्यों ना हो, वसीयत क्यों ना हो, तो उसकी वसीयत नहीं की जा सकती। तो ये मामला था कौन सा, पहले तो ये हम देख लेते हैं। ऑनरेबल हाईकोर्ट कर्नाटका के सामने मामला आया सुजाता एंड अदर्स वर्सेस नेहरू एंड अदर्स रेगुलर सेकंड अपील नंबर 7144 ऑफ 2011 की अपील, जो कि डिसाइड हुई। डेट ऑफ ऑर्डर क्या है, डेट ऑफ जजमेंट 16 मार्च 2023। अब इसको समझने के लिए हम इसके फैक्ट्स पे आते हैं। इसकी कहानी क्या है, एक कल्पना नाम की एक टीचर थी जो कि गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में टीचर थी। तो उनकी शादी हुई, शादी के 6 महीने के बाद ही वो दोनों लोग हस्बैंड वाइफ अलग अलग रहने लगे, लेकिन डाइवोर्स नहीं हुआ, ऐसी नई बात बनी तो दोनों अलग अलग रहने लगे। काफ़ी समय के बाद उनकी तबीयत खराब होने लगी, तो उन्होंने क्या किया कि मार्च 2005 में एक विल कर दी। और विल क्या, रजिस्टर्ड विल कर दी, वसीयत कर दी विल, और वो वसीयत रजिस्टर्ड हो गई। और उसमें क्या प्रोविज़न किया गया कि उनकी जो महिला टीचर थी उनके नाम से 14 एकड़ कृषि भूमि थी एक, तो उन्होंने अपने वसीयत में ये 14 एकड़ भूमि, कृषि भूमि अपनी बहनों के नाम कर दी। इसके साथ ही जो सर्विस जो कर रही थी उनके सर्विस बेनिफिट्स, जैसा मैंने बताया कि ग्रेचुटी, इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, लीव इंकेशमेंट, इसके से जो मिलने वाली धनराशि थी इसको भी उन्होंने बिल कर दिया अपनी बहनों के नाम। और अब हुआ क्या कि जब उनकी डेथ हुई मई 2005 में उनकी डेथ हो गई, और डेथ के बाद उनका जो हस्बैंड था जो सदैव उनसे अलग रहा था उसने उन पर क्लेम कर दिया उनकी प्रॉपर्टी और उनके जो सर्विस बेनिफिट्स हैं इस सब के लिए वो क्लेमेंट बनकर आ गया सामने। तो उनकी बहनों ने एक सिविल सूट फाइल किया अपनी बड़ी बहन जो कि टीचर थी उसके हस्बैंड के खिलाफ। सिविल सूट सिविल जज के यहाँ बीजापुर कर्नाटक में ये सूट पड़ा। अब उसमें उन्होंने क्या निवेदन किया कि साहब ये जो अकॉर्डिंग टू विल, अकॉर्डिंग टू वसीयत के अनुसार जो 14 एकड़ ज़मीन है वो और उनकी सर्विस बेनिफिट्स जितने भी हैं ये उन बहनों को मिलने चाहिए, और इसके लिए सिविल सूट फाइल करके ये निवेदन किया गया
कि साहब उनके नाम पर उनको डिग्री मिल जाए। लेकिन सिविल जज ने इसको डिसाइड किया, क्या कह के इसको पार्ट अलाउट किया, और उन्होंने कहा कि ये जो 14 एकड़ भूमि है और जो इंश्योरेंस है, इसका पैसा तो उनकी बहनों को मिलेगा क्योंकि उनके नाम से वसीयत की गई है, विल उनके नाम है। लेकिन जहाँ तक सर्विस बेनिफिट्स का सवाल है, ये उनको नहीं मिलेंगे और ये हस्बैंड को ही मिलेंगे। तो सर्विस उन्होंने ये डिसाइड कर दिया। तो वो जो बहनें थीं उनकी, उन्होंने जो सिविल सूट दिया था उस जजमेंट को उन्होंने फर्स्ट अपील में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चैलेंज किया, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी वही ऑर्डर मिला, सिविल जज के ऑर्डर को ही उन्होंने कंफर्म कर दिया। इसके बाद ये मैटर ऑनरेबल हाई कोर्ट कर्नाटक में पहुंच गया। तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने इसको डिटेल से सुनने के बाद जो ऑर्डर किया वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट ऑर्डर है। उसमें उन्होंने ये कहा कि देखिए, ये जो सर्विस बेनिफिट्स हैं, इनको हैं तो इंडिविजुअल उसी के, लेकिन उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, ये होल्ड किया। क्यों? क्योंकि इसको किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, इसके लिए रूल्स हैं, और रूल्स जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके द्वारा बनाए हुए होते हैं। तो थोड़े बहुत स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जनरली जो भी स्टेट के रूल्स हैं उसके संबंध में, उसी के अनुसार ही उसका डिस्पोजल होगा, किसका? सर्विस बेनिफिट्स का। तो ये साफ का क्लियर कहा कि सर्विस बेनिफिट्स को विल के अनुसार इसको डिसाइड नहीं किया जा सकता, जैसे उन्होंने कर दी थी मैडम ने कि साहब ये इनको मिलेगी, बहनों को दे दी जाए, वो बहनों को नहीं मिलेगी। और हाई कोर्ट ने भी सिविल जज के जो ऑर्डर था, जिसको कि डिस्ट्रिक्ट जज ने कंफर्म किया था, उसी को कंफर्म कर दिया। अब उसमें ये हुआ कि रूल्स क्या हैं, रूल्स के हिसाब से किस किस को मिलने चाहिए। तो रूल्स ये हैं कि वाइफ इफ़ हस्बैंड इज़ गवर्नमेंट एम्प्लाइज, तो अगर उसका पति गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो वाइफ को। हस्बैंड इफ़ वाइफ इज़ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर जैसा कि इस केस में भी था कि वो टीचर थी, वो गवर्नमेंट स्कूल की टीचर थी, तो उनके हस्बैंड को मिलेगा। सन इंक्लूडिंग स्टेप चिल्ड्रन एंड अडॉप्टेड चिल्ड्रन, जो गोद लिए गए हैं वो, या सौतेले जो हैं, स्टेप जो हैं, उनको भी, वो भी इसकी श्रेणी में आते हैं। सन डॉटर्स, अनमैरिड, विडोड और डाइवोर्स, चाहे वो किसी भी श्रेणी की हों, डॉटर्स को भी मिलेगा। ब्रदर्स बिलो एज ऑफ 18 ईयर्स, 18 साल से कम का अगर कोई भाई है तो उसको भी, वो भी इसको श्रेणी में आ जाता है। और सिस्टर्स अनमैरिड और विडोर्स और डाइवोर्स, जो अगर बहनें हैं और वो अगर विडो हैं या डाइवोर्स ले लिया है उन्होंने और हैं, तो तब भी वो इस श्रेणी में आती हैं। तो सिस्टर आती हैं, लेकिन उस श्रेणी में दो ही कंडीशंस में आती हैं कि अनमैरिड हों या विडो हों या डाइवोर्सी हों। तो इन तरह से इसको डिसाइड किया जाएगा सर्विस बेनिफिट्स को, लेकिन इस विल के हिसाब से नहीं किया जाएगा, क्योंकि विल से जो उसी क्वेश्चन तो बिल्कुल साफ है कि जब है ही उसी का, ये सारे बेनिफिट्स उनके हैं, तो उनका डिस्पोजल विल से किया जा सकता, लेकिन नहीं, ये डिसाइड कर दिया कि ये अकॉर्डिंग टू जो स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स हैं उनके अनुसार ही इसको किया जाएगा। तो फाइनली हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा कि इन व्यू ऑफ दिस अथॉरिटेटिव प्रोनाउंसमेंट विच हैज़ स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, इट इज़ क्लियर दैट द सर्विस बेनिफिट्स डू नॉट फॉर्म द वीक्यूथेबल स्टेट ऑफ एनी गवर्नमेंट सर्वेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि सर्विस बेनिफिट्स गवर्नमेंट सर्वेंट के ट्रांसफरेबल संपत्ति नहीं है, ऐसी संपत्ति, ऐसी चीज नहीं है जिसको कि कोई अपने विल द्वारा या किसी भी अदर तरीके से इसको ट्रांसफ़र कर सके। मतलब सर्विस बेनिफिट्स ऐसी संपत्ति है जिसको कि डिस्पोजल स्टेट गवर्नमेंट की जो रूल्स बने हुए हैं उसी के हिसाब से किया जाएगा। तो जनरली देखने में तो ये लगता है कि साहब उन इंडिविजुअल है, तो उन्होंने जिसको डिस्पोजल कर दिया, उनके आगे पीछे था नहीं कोई, तो विल कर दिया और विल के अनुसार होगा। लेकिन ये बात क्लियर हो गई है कि सर्विस के बेनिफिट्स को विल नहीं किया जा सकता और उनका डिस्पोजल रूल्स के हिसाब से ही किया जाएगा। मित्रों, बहुत ही आवश्यक ये जानकारी है, मुझे उम्मीद है कि आपको यह एपिसोड अच्छा लगा होगा। नमस्कार।